वेलकम सर। थैंक यू। और अब उस सेशन की शुरुआत जिसका हमें काफी देर से इंतजार था। नितिन गडकरी मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। नितिन जी आपका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन गडकरी का। नितिन जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था वो व्यक्ति तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, और अटल जी के बाद अगर किसी के लिए कहा जाता है तो वो नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है, ऐसा क्यों है? ये तो बिल्कुल गलत है, पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई, और जो भी कुछ हूं जो मेरे में अच्छाई है ये दोनों संगठन के कारण ही है, वो सब अच्छाई है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शंस, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी पार्टी अच्छी है, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, इसी यही बात मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीति में गलती से आ गए? आप कहते हो मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी में खर्च नहीं करूंगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे गडकरी जी? नहीं, आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आओगे तो मैंने ये बात कही कि मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे मतदान है उनको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, परिवार समझता हूँ, और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है, और इसलिए मैंने कहा कि अब ये पोस्टर बैनर और इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको वोट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लूंगा जी, और हाउस टू हाउस और मैन टू मैन कैंपेन करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार 3 हैट्रिक लगनी है, एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक, एक नरेंद्र मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी, दूसरी बार भी पहली बार आई थी, और तीसरा नागपुर से आप दोबारा जीत कर आएंगे, तीसरी बार जीत कर आएंगे, तो कितनी कठिन ये डगर लगती है मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना? देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले हैं, ये भी तय है जी, और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूं ये भी निश्चित है, ये भी। लेकिन नितिन गडकरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता मुरीद हो जाते हैं? मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने आपकी तारीफ कर दी, ऐसा क्या है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य है क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेरे डिपार्टमेंट पर 75 सांसद बोले अलग अलग पार्टी के, सबने मुझे धन्यवाद दिया, सबने अभिनंदन किया, तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तो एक तो सीधी बात यह है कि जो कानूनी काम है नियम के अनुसार है वो सबका होना चाहिए, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं रोड बनाता हूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रोड बनो और दूसरों को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं मैंने सबका काम करने का प्रयास किया, तो उसके कारण उनके मन में उसका समाधान है, यही शायद उसका कारण होगा। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं, ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको या पड़ जाती है? नहीं, मैं आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूं, मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूं, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ निकालता रहता है। नहीं नहीं, एक बात ये होती है कि मैंने और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी कुछ कुछ लिखते रहते हैं। नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसा है कि जो न बोला वो मुंह में डालकर उसको एक आदमी अपने मीडिया पे लिखता है अपने साइट पर, और फिर दूसरे लोग उसको उठाकर लिखते हैं, तो सही में किसी ने जो बोला है उसके डिटेल में जाना चाहिए,
देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेबाक हैं तो प्रधानमंत्री के सामने भी बेबाक रहते हैं, गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी बेबाक रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो नम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री सबसे सुनते हैं और तब रखते हैं, कोई अर्च में अड़चन नहीं होती। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेरे पास भी सब लोग उस समय अपनी बात रखते थे, तो हमारी पार्टी की एक पद्धति है जी, और उसमें सब अपना विचार रखते और अंतिम निर्णय फिर जो होता है सब मिलकर, या फिर प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो होंगे नेता, वो जो कहते हैं वो निर्णय होते हैं, उसमें आगे जाती है पार्टी। अब मैं आपको एक, ये बहुत हेडलाइन स्टोरी रही, उद्धव ठाकरे का एक बयान, मैं वो मराठी में बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं और आपसे उसका रिएक्शन लेता हूं। उद्धव ठाकरे ने आपके बारे में, आपके विषय पे क्या बोला, आइए एक बार सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे की का बयान। युति मध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। अब नितीन जी कह रहे हैं कि आइए आप, हम आपको एमबीए से टिकट दे देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के आगे कभी झुकता नहीं है। देखिए पहली बात तो यह है जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर निर्णय हुआ। अब मैं महाराष्ट्र से लड़ता हूं तो मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी आकर उनसे चर्चा ही नहीं हुई थी, तो पहले लिस्ट में स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आने की संभावना नहीं थी जी। अब दूसरे लिस्ट में नाम आया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगा, दूसरे कोई पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस प्रकार की ऑफर भी हास्यास्पद है क्योंकि मैं अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूं, विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, इसी पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी में काम करूंगा जी। लेकिन पिछले दिनों आपने कहा था कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक चीज तय है कि जो काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता, ये क्यों कहा था आपने? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, यही गड़बड़ है जी। मैंने कहा सिस्टम में ऐसा होता है, जो मैंने विशेष रूप से सरकार में काम करने वाले लोगों के बारे में कहा था, उसके पहले भी मेरी प्रस्तावना उसके साथ थी कि अच्छा काम करते तो उनको सम्मान नहीं मिलता और बुरा जो काम करता है उसको सजा नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे आदमी को तुरंत अवार्ड नहीं मिलता और जो कुछ करता है उसकी इंक्वायरी होते होते इतने साल चले जाते हैं कि उसको सजा नहीं मिलती, ये उसका वाक्य था। इसका संबंध राजनीति से भी नहीं था, यही आप नहीं है पर आप जैसे आपके जो बंधु है वो बिना रेफरेंस लेके इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं। आजकल ना सोशल मीडिया का दोष भी सब मीडिया पर ही डाल देते हैं, अब सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं होता जी, जी। सोशल मीडिया पे जो गलत छाप के आता है उसको तुरंत लेकर रात को चर्चा का कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, ये समस्या है जी। मेरा अगला सवाल है, 2022 में आपने कहा था कि राजनीति को अलविदा कहने का बड़ा मन करता है, लेकिन कभी नहीं कहा था ऐसा, तो पर आपका बयान है ये सर बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा था कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स नहीं है जी, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये भी पॉलिटिक्स है। और महात्मा गांधी जी ने जब देश को स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन किया था वो भी आंदोलन राजकारण था, तो हम लोग 80% समाज कारण करें और 20% सत्ता कारण करें। और आपने परसों भी देखा होगा, मैं दिव्यांगों को मैंने 87 चेयर बांटी, मैंने करीब 50,000 हार्ट के ऑपरेशन, मैंने आज आपका सुबह ट्विटर देखा उस पर आपने एक वीडियो ट्वीट कराया है, एक लड़की के दिल में एक होल था उसका आपने ट्रीटमेंट कराया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वाकई मतलब वो जिसे कहते हैं कि बहुत मार्मिक विषय है ये सारे। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें नितिन जी, तो राज ठाकरे दिल्ली में है और राज ठाकरे अगर दिल्ली में है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है, तो क्या अलायंस होने की बात है? देखिए मुझे आज सुबह ही राज ठाकरे जी का फोन आया था, पर वो अच्छा, दूसरे काम के लिए आया था, उनके पासपोर्ट का काम था वो हो गया इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया था, बाकी तो आज पासपोर्ट एनडीए का पासपोर्ट नहीं उनका पासपोर्ट अच्छा। बाकी उनका क्या बातचीत होगी क्या नहीं ये तो आज होगी तब निर्णय होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन आप चाहते हैं राज ठाकरे आए? देखिए इसका निर्णय पार्टी करेगी। आपका मन क्या है? नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं होता,
पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, काफी सोर्सेस के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूँ, चल क्या रहा है वहां पर? कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है, लगभग बंटवारा हो गया है। शिंदे जी खुश है? हाँ सब। और चुनाव तक क्या होता है, जब तक कैंडिडेट तय नहीं होते हैं जी, तब तक एक सीट है, 10 उम्मीदवार है, तो थोड़ा बहुत तो चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, ये ऑब्वियस है। और मुझे लगता है कि अभी लगभग फाइनल हो जाएगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमको बहुत शानदार जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एनडीए बहुत सालों से गठबंधन है, लेकिन इस बार एक नया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, लेकिन वो बनने से पहले ही लड़खड़ा गया। आपको इंडिया अलायंस कैसा दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती है? मैं अपने पार्टी को और अपने अलायंस को देखता हूं। मेरी एक फिलॉसफी ऐसी है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि दो रेशाएं, एक आपकी और दूसरे की है। दो मार्ग है रेशा बड़ी करने का, एक तो अपनी बड़ी करो या दूसरे की पूछने का काम करो जी। तो मैं अक्सर इस बात पे विश्वास रखता हूं, अपनी बड़ी करो। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कुछ काम किया है, जिसका लोग अनुभव लेते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ट्विटर पर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना जी, तो इतने लोगों में खुशी है कि इतने लोगों की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। तो हम 10 साल में जो हमने काम किया है उस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, उसके भरोसे हमें सफलता हासिल होगी। हमें अपने पॉजिटिविटी और अपने काम को लोगों को बताना है, हमको बाकी निगेटिव बातों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक और सवाल है, मराठा समुदाय को 10% अलग से आरक्षण देने की बात है, उस विषय को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन एक सोशल डिमांड भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा इससे निपटना? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करते हुए इसका समाधान ढूंढा है, अब ये विषय नहीं रहा है। आप कह रहे हैं ये विषय नहीं है अब, लेकिन चुनावी बॉन्ड तो विषय है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। राहुल जी ने तो कह दिया ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सब जुडिस है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता, नहीं, उसके ऊपर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।